प्यारी सी स्टोरी एक गांव की है, जिसमें दो दोस्त थे, एक सुनार था और एक लोहार था। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी जान पहचान थी, दोनों में दोस्ती बहुत थी। लोहार काफ़ी गरीब था और प्रत्येक दिन वह लोहे के बर्तन और लोहे से बनी चीज़ों को बनाकर एवं उसे बेचकर अपना जीवन यापन करता था। सुनार काफ़ी धनी था, लेकिन विचार से काफ़ी चालाक था। सुनार जब भी लोहार के दुकान पर जाता तो किसी न किसी प्रकार का लोहे का सामान लेके अपने घर चलाता था। वह अपनी चालाकी जरूर दिखाता था। एक दिन सुनार लोहार के दुकान पर आया, जब लोहार बहुत ही सुंदर लोहे की कटोरी बना रहा था। लोहार ने कटोरी पर बहुत बारीकी से डिज़ाइन बनाए हुए थे, जिसको बनाने में उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। सुनार ने लोहार को कटोरी बनाते देख लिया और सुनार को कटोरी काफ़ी पसंद आ गई। उसने लोहार से जाकर कहा, दोस्त, यह कटोरी तो तूने बहुत ही सुंदर बनाई है, इसे अपने साथ लेकर घर चला जाता हूँ, तेरी भाभी को ये बहुत पसंद आएगी। सुनार की बातों को सुनकर लोहार ने बिना कुछ कहे उसको वो कटोरी दे दी। बोला, तू मेरा दोस्त है, तू ले जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ दिन बाद फिर लोहार अपने दुकान पर बहुत सुंदर प्लेट बना रहा था। लोहार ने जब उस प्लेट पर बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन बनाई तो वो बहुत सुंदर दिख रही थी। लोहार ने खूबसूरत डिज़ाइन वाली प्लेट को बनाने में काफ़ी मेहनत की। एक बार फिर सुनार अपने दोस्त से मिलने गया। सुनार को खूबसूरत डिज़ाइन वाली प्लेट देखकर लोहार से कहा, यार, तूने कितनी सुंदर प्लेट बनाई है और ये देखकर तेरी भाभी तो बहुत ही खुश हो जाएंगी। इस बार भी वह लोहार अपका प्लेट को लेकर घर चला गया और सुनार थोड़ा सा मायूस हो गया। फिर उससे अपने काम में लग गया और वह सोचने लगा कि मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन लोहार किसी कारण से बाज़ार गया। बाज़ार में उसने सुनार अपने दोस्त की दुकान पर गया। लोहार अपने दोस्त से मिलने चला गया। सुनार ने हाल ही में अपनी एक बहुत सुंदर महंगा हीरो का हार लेकर अपनी दुकान में रखा था, जिसे बहुत भारी कीमत पर उसको बेचना चाहता था। जैसे ही लोहार अपने दोस्त सुनार दोस्त की दुकान पर गया, सुनार चौंक गया और पूछा, अरे भाई, क्या हाल है, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू मेरी दुकान पर क्यों आया? लोहार ने जवाब दिया, कुछ नहीं दोस्त, मुझे बाज़ार से कोई सामान लेना था, इसलिए आज बाज़ार आया था तो सोचा तेरे से मिलता चलूँ और तेरी दुकान पर होकर जाऊँगा तेरे से मिलने। तो उसने उसको देखकर ही बहुत हक्का बक्का रहा। इतने में लोहार की नज़र उस हार पर पड़ी। लोहार ने सुनार से कहा, यार, ये कौन सा हार है, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दिख रहा है, क्या मैं इसे छूकर देख सकता हूँ? सुनार ने कहा, हाँ, क्यों नहीं देख सकता है, ये हार बहुत खास है, बहुत कीमती है, हार ही में मैंने इसको अपनी दुकान में बनवा कर रखा है। लोहार ने वह अपने हाथ में लेकर देखा और बहुत ही सुंदर था, इसलिए सुनार को हार बहुत पसंद भी आ गया लोहार को। इतने में बात करते करते लोहार ने कहा, यार, हीरो का हार तो बहुत सुंदर है, ये तो पूरे राज्य में किसी के पास नहीं होगा, ये हार मैं तेरी भाभी को दिखा कर लाता हूँ, वो कितनी खुश होंगी। ये कहकर लोहार ने कहा, क्या यह हार मैं आज रात के लिए तेरी भाभी के लिए ले जाऊँ? क्योंकि सुनार पहले कई बार अपने दोस्त की दुकान से सामान ला चुका था, इसलिए वह चाहकर भी दोस्त को मना नहीं कर सकता था। सुनार ने दुखी मन से कहा, ठीक है भाई, लेकर जाऊँ। इसके बाद लोहार व हीरो का हार लेकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी को देखते दिखाते हुए कहा, देखो, यह दोस्त ने तुम्हारे लिए खास तोहफे में दी है। साथियों, इसलिए अक्सर कहा जाता है कि 100 सुनार की और एक लोहार की। अब जैसा उसने उसके साथ किया था सुनार ने, वैसा ही लोहार ने उसके साथ किया। इसलिए कितनी भी लोग कितना भी कोशिश कर लें पर उनको कभी ना कभी उनको फल ज़रूर मिलता है। आप इस दोस्तों की स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर सुने। थैंक यू सो मच।